ग्वालियर में क्रिकेट सटोरियों से 23,15,000 रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर कराने वाले एएसआई हवलदार आरक्षकों को कोई सुराग नहीं लगा। पुलिसकर्मियों ने सटोरियों से लिए रुपए जिन खातों में ट्रांसफर किए थे उन खातों में उपलब्ध 40 लाख रुपए फ्रीज करा दिए हैं। एसएसपी ने सटोरिये नितिन यादव पर भी 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मियों मुकुल यादव, राहुल यादव और विकास तोमर की तलाश में पुलिस पाटिया राजस्थान गुजरात के शहरों में दबिश दे रही है, लेकिन वे हाथ नहीं आए हैं। गुजरात राजस्थान में खाते नंबरों से जुड़े लगभग 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में दो खातों में हुए ट्रांसफर किए गए उनके खाता धारक गोला का मंदिर थाना में पदस्थ एएसआई के संपर्क की लिंक मिली है। दरअसल सिरोल थाना क्षेत्र में बीते दिनों देर रात क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे सट्टेबाजों से डरा धमकाकर थाने में पदस्थ एएसआई मुकुल यादव, क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक राहुल यादव और आरक्षक विकास तोमर ने 23,15,000 वसूलने के बाद अपने बैंक खातों में रुपए डलवाए थे, जहां से सिरोल थाना पुलिस ने 15 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर 31 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 2 करोड़ का हिसाब किताब जब्त किया था। जो एक ऑर्गेनाइज ऑनलाइन सट्टा चलता है वहाँ पे जाके उन लोगों ने उसमें से काफ़ी पैसे अपने परिचितों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए और वहाँ पे दबाव बना कर, तो एक तरह के बहुत ही घृणित शासकीय कर्तव्य के खिलाफ आचरण है। इनके प्रचंड पंजीबद्ध किया गया और अभी जब तक ये मिले नहीं है तो इनके इनाम भी।